वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का हमारा ये वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है, जो कि सोलर पावर को हमारे कॉमन घरों में कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्या इसका एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा, क्या इसका कॉस्ट होगा, इन सब के ऊपर बात डिस्कशन करेंगे। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोलर पैनल या सोलर पावर लगभग इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में और गवर्नमेंट के रूप में ही इस्तेमाल होता है। ज़्यादा ये घरों में इतना फेमस नहीं है, हर घर के लोग इसे नहीं लगाते, पर बीते कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है और ऐसा अनुमान नहीं बल्कि फैक्ट सामने आया है, हम लोग के सामने फैक्ट आया है कि लोग काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं इस बात को लेकर कि घरों में भी सोलर पैनल लगाया जा सकता है। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला कि फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में और गवर्नमेंट के थ्रू इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते आया है शुरू से ही। ये 1950 से इसका शुरुआत हुआ था, 1950 में यूएस में, अमेरिका में। इसका नाम है, इसका पुराना नाम है फोटोवोल्टिक। फोटोवोल्टिक का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है वो चीज़ जो सन से रिलेटेड है। सन मतलब सूरज से जो रोशनी आती है, या फिर यू कह लीजिए जो एनर्जी आती है, उसको कहते हैं हम लोग फोटो। और वोल्टिक का मतलब हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्चुअली करता क्या है कि सन का जो एनर्जी है इसको एब्जॉर्व करके उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, तब इसका नाम रखा जाता है फोटो वोल्टिक। बट बाद में कुछ समय बाद इसको बदल दिया गया, कुछ विद्वानों ने, महाविद्वानों ने उसे सोलर पावर का नाम दे दिया गया। कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग सोलर पावर को घरों में लगाएं तो सबका कॉस्ट क्या पड़ेगा, और उसके बाद उसका एडवांटेजेस में बात किया जाएगा, डिसएडवांटेजेस बात किया जाएगा। देखिए, जो सोलर पावर का जो कॉस्ट है, अगर उसका हम बात करें नॉर्मल घरों में, जो कॉमन जो हमारे घर होते हैं उसमें, तो ये आता है कैपिटल इंटेंसिव के रूप में। अभी कैपिटल इंटेंसिव क्या है? कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कि वो चीज़, वो वस्तु जिसमें एक बार आप पैसा लगाइए और लॉन्ग लास्टिंग तक, बहुत बड़े समय तक आप इसका फ़ायदा उठाइए। जैसा कि सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, आपका कोई व्हीकल लेना, घर बनवाना या फ्लैट खरीदना, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप घर बनवा रहे तो क्या होता है कि आप एक बार पैसा लगा रहे हो घर बनाने में, बहुत बड़ा अमाउंट, भी ह्यूज अमाउंट लगाते हो आप। उसके बाद घर 25 साल तक आपका हो गया, आप आराम से घर में रह रहे हो, अब बीच बीच में मेंटेनेंस अगर करवाना पड़ता है, हर साल दर साल में कुछ टूट फूट गया तो उसको ठीक करवाना पड़ता है, बट ओवरऑल पूरा का पूरा घर आपका होता है, वो आराम से आप रह सकते हो उसमें। गाड़ी में भी, व्हीकल में भी यही होता है, एक बार आप व्हीकल खरीद लिए कुछ बड़ा अमाउंट देकर, और उसके बाद हर समय साल दर साल कुछ ना कुछ मेंटेनेंस लगाना पड़ेगा, बाकी 8 साल तक, 10 साल तक वो गाड़ी आपको अपनी सर्विस देगी, आप आराम से उसे चलाएंगे अच्छे से, वो 10 साल तक आपको आराम उस गाड़ी में। तो ठीक उसी तरह ये भी इन्हीं सब चीज़ को कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं, और सोलर पावर भी कैपिटल इंटेंसिव में आता है, क्योंकि इसे लगाने के बाद शुरुआत में तो कुछ ज़्यादा पैसा लगेगा, ह्यूज अमाउंट लगेगा, बट बाद में ये नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये आपको लॉन्ग लास्टिंग मतलब कि कम से कम 20 से 22 ईयर तक आपको अच्छा सा सर्विस देगा। तो चलिए इसके कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला इक्विपमेंट्स इसका आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर जो है ये सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट बेसिक इक्विपमेंट्स है, इसका पार्ट है इसका, इसके बिना ये काम नहीं करता है। इन्वर्टर ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है सोलर पावर के बॉडी में, पूरे के पूरे इसके पार्ट्स में, जो कन्वर्ट करता है डीसी से एसी में। अभी डीसी एसी क्या है? डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। तो दोनों जो करंट होता है, एक जो डायरेक्ट करंट होता है ना, वो कम वोल्टेज का होता है, उसमें पावर ज़्यादा नहीं होता है, और हमारे घर को चाहिए अल्टरनेटिव करंट जो हाई वोल्टेज का हो, जिसके कारण हमारा घर चल सके, ज़्यादा पावर का हो। तो ये डीसी से एसी में ये इन्वर्टर कन्वर्ट करता है। सोलर पैनल जो होते हैं, पैनल
जो ब्लू कलर के जो पैनल आप लोगों ने देखा होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो इसी एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है ये इन्वर्टर डीसी से एसी में। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मीटरिंग इक्विपमेंट्स में। ये जो मीटरिंग इक्विपमेंट्स का जो पार्ट है, ये हमारे घर के मीटर जैसा है। जैसे कि घर के मीटर में क्या होता है, आप कितना एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, कितना एब्जॉर्ब कर रहे हो, कितना घंटे तक आप बल्ब जला के रखते हो, ये सबका मेजरमेंट उसमें होता है। तो ये जो इसका मीटरिंग इक्विपमेंट्स है, ये इसमें भी यही होता है, सेम चीज़ यही होता है। आप मेजर करता है ये कि कितना आप एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, कितना एनर्जी ये दे रहा है इन्वर्टर, और कितना आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। ये इसका काम है मीटरिंग मीटरिंग इक्विपमेंट्स का। अब उसके बाद आता है केबल्स, वायरिंग, गियर्स, बैटरी। तो बैटरी, केबल्स, वायरिंग, गियर, ये सब का काम बहुत कॉमन है। केबल्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे, तार जो वायर होते हैं, इसका अलग केबल आता है क्योंकि ये अलग चीज़ ही है, ये अलग तरीके से काम करता है, इसका केबल अलग आता है। वायरिंग गियर फिट, उसको फिट करने के लिए आप कहाँ पर फिट करना चाहते हैं, चाहे छत पर करना चाहते हैं या फिर बालकोनी में करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग तो छत पर ही करते हैं क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा अच्छे से आता है, तो वहाँ पे हो गया। अब बैटरी, बैटरी हर कोई इस्तेमाल नहीं करता है। देखिए बैटरी का इस्तेमाल करने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजह ये है टाइमिंग। सुबह में तो आपको सन का जो एनर्जी है, सन का जो रोशनी है, किरण है, आपको मिल जाएगा। पर रात को तो आपको सन निकलता नहीं है, आप अंधेरा रहता है, तो रात में भी अच्छे से काम कर सके इसलिए इसके साथ बैटरी फिट किया जाता है। और ये करता क्या है कि बैटरी में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके हर दिन कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर जाता है, ताकि जब अंधेरा हो या शाम हो तो उसी एनर्जी के बदौलत हमारा घर चल सके। ये इतना इसका पूरा का पूरा अच्छे से काम है। और कॉस्ट में अगर हम लोग और आगे बढ़े, तब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब कैपिटल इंटेंसिव तो ये है ही, मतलब शुरुआत में तो पैसा आपका लगेगा ही, बट बाद में साल पे या फिर 2 साल 3 साल पे इसको मेंटेन आपको करना पड़ेगा। कभी बारिश हो गया तो सफाई करना पड़ेगा, कभी इसका मरम्मत करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है। कभी इसके पैनल्स ख़राब हो जाते हैं तो उसे भी रीचेक करना पड़ता है। तो ये है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट और इसका पूरा का पूरा टोटल कॉस्ट। देखिए अब हम ओवरऑल का बात करें तो आपको एक बात बता देना चाहता हूँ आप सभी को, कि शुरुआत में इसका कॉस्ट काफ़ी था, इसके पैनल्स का, इसके इन्वर्टर्स का, इसके बैटरीज का, पर हर साल इसका कॉस्ट कम होता गया है। अभी भी इसका कॉस्ट हाई है, अभी जो जो समय चल रहा है 2021 में, इसका कॉस्ट हाई है। बट देखा जा रहा है कि आने वाले समय में 2030 में, 2040 में सब कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा नहीं काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि जो कॉस्ट इसका 1990s के टाइम था वो कॉस्ट अब नहीं है, और अभी का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। तो पहले से कंपेयर किया जाए, और आने वाले समय में इसका कॉस्ट और कम होगा क्योंकि लोग अब इसको इसके ऊपर अवेयर हो रहे हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं इसके प्रॉस पर। प्रॉस का मतलब इसके एडवांटेजेस पर, कि इसका एडवांटेजेस क्या है। फिर आएगा इसका कॉन्स, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहले हम लोग प्रॉस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉस है इसका लोअर एनर्जी बिल्स। ये एकदम सही है, सोलर पावर सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के लिए फेमस है। दो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तो इसका लोअर एनर्जी बिल, दूसरा इसका इको फ्रेंडली चीज़ है। पहला जो लोअर एनर्जी बिल ये है कि आपका जो एनर्जी बिल जो आता है, मान लीजिए आपका एक महीने का एनर्जी बिल आता है 5,000 रुपया, तो वो 1,000 रुपया में आने लगेगा, क्योंकि तो आपका 90% या फिर 50% जो वर्क है वो आपका सोलर पावर ही कर देगा, तो आपको एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ा ज़्यादा। तो ये एक एक फायदेमंद चीज़ है। दूसरा है ऐसा ग्रीन एनर्जी दैट लोअर कार्बन फुटप्रिंट। ग्रीन एनर्जी दैट लोअर कार्बन फुटप्रिंट, इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो है इको फ्रेंडली है, ये नेचर को इतना इफेक्ट नहीं करता है, ज़्यादा रेडिएशन नहीं निकालता है, कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, मतलब कि कार्बन उसमें से नहीं निकलता है, रेडिएशन नहीं निकलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एनर्जी लो एथिकली नेचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा है नेट मेटरिंग अलाउ टू सेल बैक एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कॉस्ट वाले मतलब कि टॉपिक पर, कि एक इसका है मीटरिंग इक्विपमेंट्स, मीटरिंग मेजर करने वाला इक्विपमेंट्स, मीटरिंग इक्विपमेंट्स बताया था मैंने। वो ये था कि कितने आप इस्तेमाल करते हो एनर्जी, कहाँ से आप एनर्जी लेके आते हो, कितना आप इस्तेमाल करते हो, ये सब का उसमें मेजरमेंट होता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए एक दिन में
सोलर पावर ने 1000 जूल एनर्जी बनाया क्रिएट किया और उसमें से आपने मात्र 200 जूल ही एनर्जी को इस्तेमाल हो पाया। अब बच गया आपके पास 800 जूल एनर्जी, तो ये 800 जूल एनर्जी आप बेच सकते हो। हाँ, 800 जूल एनर्जी मान लीजिए बैटरी में अगर कंज्यूम है तो आपको काम नहीं है तो आप उसको सेल कर सकते हो, प्रोड्यूस करके सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। इससे आपको पैसे का ये फाइनेंशियल का भी हल्का सपोर्ट मिल जाता है। काफ़ी लोग ऐसे देखे गए जो कि सोलर पावर का जो एनर्जी वो बेचते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा मतलब कि इसका उपाय है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल 25 से 30 ईयर्स तक। ये लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल है मतलब काफ़ी लंबा चलता है। ये मैंने बताया आपको कैपिटल इंटेंसिव है, एक बार आप लगा लीजिए तो आपको सिर्फ मेंटेनेंस करने में समय लगेगा, बाकी सब इसका सब कुछ सही है। तो ये भी है लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल, कम से कम 25 साल तक तो आपको निश्चित बैठना होना पड़ेगा। अगर आपने इसे अच्छे से बचा के रखा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत लंबा चलेगा ये। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स पर, इसके डिसएडवांटेजेस पर। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कॉन्स का अगर हम बात करें तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है इसका इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट स्टिल हाई। मेंटेनेंस कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा है। इंस्टॉलेशन मतलब इसे लगाने का कॉस्ट, अपने घर में इंस्टॉल करने का, अपने घरों में इसे फिट करने का भी कॉस्ट काफ़ी है। अभी तक हाई है, स्टिल हाई मतलब अभी तक ये हाई है। पिछले बीते कुछ वर्षों में काफ़ी ज़्यादा महंगा रह चुका है, लेकिन अभी उसके कंपेयर में कम हुआ है, बट अभी भी इतना कम नहीं हुआ कि हर घर में लग सके, हर फैमिली इसे अफोर्ड कर सके। यही मेन वजह है इसका अभी तक उतना फेमस नहीं होने का, बट धीरे धीरे अभी ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। सोलर ओनली वर्क व्हेन द सन इज आउट, ये दूसरा सा पॉइंट है। जो सोलर पावर होता है ना, वो मैंने बताया आपको कि ये सिर्फ जब सूर्य निकलता है मतलब सुबह का टाइम पे ही ये काम कर पाता है अच्छे से, रात के टाइम पे इसके पास पावर नहीं रहेगा तो ये बैटरी पर डिपेंड होता है। मान लीजिए किसी ने बैटरी नहीं लगाया, किसी को मन नहीं है बैटरी लगाने का, क्योंकि बैटरी के साथ बहुत कॉस्टेबल है, बहुत महंगा मिलता है, तो रात में इसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, तब उसको घर जो जो सरकार की तरफ से मिला हुआ है उसको इलेक्ट्रिसिटी पावर उसको ही चलाना पड़ेगा, सोलर पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो काफ़ी सारे पैसा वेस्ट हो जाएगा इसके। तो ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके डीमेरिट्स में से, कॉन्स में। पार्ट्स ऑफ द सिस्टम नीड टू बी रिप्लेस एवरी फ्यू ईयर, पार्ट्स ऑफ द सिस्टम नीड टू बी रिप्लेस एवरी फ्यू ईयर। कुछ कुछ इसके पार्ट्स है वो हम उसके 2 साल 3 साल पर उसको रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे कि सब केबल, केबल इसलिए क्योंकि केबल जो वो हमेशा इसके साथ कनेक्ट रहता है, और धूप अगर ज़्यादा रहेगा, मान लीजिए सनलाइट ज़्यादा पड़ा, सनलाइट का जो रेडिएशन है उसको केबल हल्का कभी कभी जल जाता है, कभी कभी बहुत बेकार हो जाता है केबल, इसलिए भी सबसे ज़्यादा मतलब कि इसको इफेक्ट करता है। तो कुछ कुछ उसके पार्ट्स है, केबल्स हो गया, इन्वर्टर में कभी ख़राबी हो गई, कभी मीटरिंग इक्विपमेंट जो जो कि मेजर करता है वो सही से काम नहीं कर रहा हो, कभी पैनल्स इसके ख़राब हो गए, आंधी तूफान आया कभी पैनल्स पर कुछ गिर गया तो पैनल इसे ख़राब हो गए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा 2 से 3 साल में मेंटेनेंस के लिए, जिसके में बोला गया हूँ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी है, इसके डिसएडवांटेज भी काफ़ी सारे हैं, काफ़ी लोग लगाए हैं, काफ़ी लोग नहीं लगाए हैं। तो ये था इसका आज का ये हमारा वीडियो, हमारा ये टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इसको फैल रहे हैं। होप आपको ये पसंद आया होगा, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।